हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से जो थी मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब। फीवर वगैरह हो रखा था और मेरे जो दांत में है दाढ़ आ रही है, मतलब तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द था और अब भी कुछ कुछ दर्द है। रात को तो बिल्कुल भी सो नहीं पाई हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गई थी और यहाँ पर भी स्वेलिंग वगैरह आ चुकी थी मुझे। तो यही कारण था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और साथ में एग्ज़ाम भी लगे हैं वंशु के, तो वो भी देखने पड़ते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ जो है ब्लॉग डेली रूटीन के जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। और मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है गूगल से, तो वो मुझे बोल रही थी कि दीदी आप डेली रूटीन के ब्लॉग जो हैं वो डाला करो। तो डियर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली रूटीन के जो ब्लॉग हैं मैं आपके सामने शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। कपड़े कुपड़े धो लिए थे मैंने, फिर एकदम से बारिश जो थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी, कपड़े जो डाले थे टेरेस के ऊपर फिर से उठाने पड़े थे। तो मौसम का यही रहता है, इतनी अच्छी धूप लगी थी फिर एकदम से ही बादल आ गए और थोड़ी थोड़ी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई थी अपने पड़ोसियों के घर में स्पेशल ये करकरा लेने। तो ये देखिए, ये होता है करकरा, क्योंकि मेरे मुँह में जो है बहुत ज़्यादा दर्द है, दाढ़ निकल रही है, तो मैं स्पेशल इसी को ही लेने आई हुई थी। तो बोलते हैं इसको रखने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये लेके आऊँ। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है ये। तो ये देखिए, काफ़ी लगा हुआ है इनके घर में। तो ये होता है छोटे छोटे फूल जैसे होते हैं, ये देखिए ऐसी कलियाँ जैसी होती हैं, इसको बोलते हैं करकरा। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो वंशु वगैरह और उसके फ्रेंड जो हैं यहाँ पे खेल रहे थे, और मुझे भी वंशु बोल रहा था मम्मा आप भी खेलो। तो फिर उसके बाद बच्चों के साथ बच्ची मैं भी बन गई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये बैट बॉल वगैरह खेल रहे थे, तो बच्चों के साथ भी खेल लेना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।